नमस्कार, मैं हूं प्रीतिश सहाय। प्रभात खबर प्राइम बिजनेस में आपका स्वागत है। आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। टैक्स छूट की सीमा को लेकर जब भी बात आती है तो बहुत से लोग इस बात को लेकर संशय में रहते हैं कि उनके लिए आईटीआर भरना जरूरी है या नहीं। आज इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बाजार मामलों के जानकार और जाने माने एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जितेंद्र जी, आईटी रिटर्न फाइल क्यों करते हैं, इसके क्या फायदे हैं? देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है सरकार द्वारा, आप जो पास जो भी आय कमाते हैं उस पर सरकार टैक्स लगाती है, जिससे टैक्स वो आपको भरना होता है और देना होता है। तो इनकम टैक्स फाइलिंग आप करते हैं, ये चीज वेरीफाई सबसे बड़ी होती है कि आपने जो इनकम कमाई है वो कितनी है और आपने जो टैक्स कमाया है वो टैक्स कितना है। तो इनकम टैक्स फाइलिंग करने का सबसे जो बड़ा फायदा वो ये होता है कि आपने जो टैक्स दिया है वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो इनकम टैक्स की नजर में आ जाता है। तो यानी कि आप पे जो भी देनदारी बनती है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप इनकम टैक्स को पे कर सकते हैं। कई मामलों में इनकम टैक्स जो आप पे करते हैं, जैसे आप सैलरीड है तो कुछ टैक्स कंपनी काटती है, जो बकाया टैक्स होता है वो आप आईटीआर फाइल करते करते हैं। प्रोफेशनल या बिजनेसमैन ये कुछ एडवांस टैक्स भरते हैं, बाकी जो बकाया टैक्स होता है वो आप इनकम टैक्स फाइलिंग करते वक्त भरते हैं। जितेंद्र जी, आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा? देखिए, इनकम टैक्स अगर आपने फाइल नहीं किया और अगर आपकी टैक्स की देनदारी बनती है, यानी कि आपके ऊपर टैक्स निकलता है, तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो ये कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। इनकम टैक्स की नजर में जब भी आएगा आपके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जाएगी और किसी कुछ मामलों में आपकी जितना टैक्स होता है उसका गुना करके पेनल्टी लगाई जाती है। कुछ मामलों में डिपेंडिंग क्या टैक्स लायबिलिटी है आपको भी हो सकता है, तो दोनों तरफ से आपको जो है पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है इनकम टैक्स आईटीआर ना फाइल करने का। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपने जो भी टैक्स दिया है, खासकर सैलरी पीपल है जिसके ऊपर टैक्स कंपनी काटती है, कुछ मामलों में आप देखते हैं कि टैक्स जो है जो कंपनी ने काटा है वो ज्यादा है, यानी कि आपकी जो टैक्स की देनदारी बनती है वो कम है। तो अगर टैक्स ज्यादा कटता है तो आपको रिफंड लेने की जरूरत है और ये रिफंड आपको तभी मिल सकता है जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स नहीं फाइल करते हैं तो जो आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बनती है तो पेनल्टी लग सकती है। दूसरा, अगर ज्यादा पे कर दिया है तो उसका रिफंड आप तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तीसरा, जब भी आप कोई लोन लेने जाते हैं तो हमेशा आपसे इनकम टैक्स फाइलिंग के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जो कि एक प्रूफ होता है कि आप एक इनकम टैक्स पेयर है इस कंट्री में और आप उन्हें कितना क्या इनकम की, कैसे टैक्स फाइल किया था, कितना फाइल किया था, वो कंपनी जानना चाहती है जो आपको लोन दे रही है। तो ये दो तीन जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी हो जाता है। एक बात और समझाते हैं कि आईटी रिटर्न लेट फाइल के साथ भरने की अंतिम तिथि क्या है? देखिए, जो इनकम टैक्स फाइलिंग की जो लास्ट डेट है बिना किसी पेनल्टी के वो 31 जुलाई है। अगर 31 जुलाई है, आप 31 जुलाई के बाद भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं लेकिन पेनल्टी के साथ। अगर जुलाई 31 जुलाई के बाद फाइल करते हैं और दिसंबर से पहले फाइल करते हैं तो 5,000 की पेनल्टी लगती है, लेकिन अगर दिसंबर के बाद फाइल करते हैं मार्च तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने तक, तो 10,000 की पेनल्टी लगती है। ये उनके लिए है जिनकी आय 5 लाख से ऊपर है। जिनकी आय 5 लाख से नीचे है अगर वो लेट फाइलिंग करते हैं तो मैक्सिमम 1,000 रुपए तक की पेनल्टी उनको देनी होती है। अच्छा, मतलब दो चरण में फाइन लगाया जाएगा जो जी। इसके अलावा आईटी रिटर्न क्या होता है, इसके फायदे क्या है ये आपने बताया। इनकम टैक्स में छूट कैसे पाए, किन योजनाओं में निवेश से मिलती है आयकर में छूट, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए बहुत सारे सेक्शन बनाए गए हैं।
और हर सेक्शन में आपको जो है छूट दी गई है। हम बात करते हैं ATC की, जो बहुत ही कॉमन सेक्शन है। अब ATC में दो तरीके से आपको छूट मिलती है, एक आप कुछ पे करते हैं उस पर छूट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे करी है, आपने LIC का प्रीमियम पे किया है, तो इस पर आपको जो है छूट मिलती है। दूसरा, जब आप कोई निवेश करते हैं तो उस निवेश के ऊपर आपको छूट मिलती है। अब ये छूट किस तरीके से मिलती है कि जितना भी आपने पे किया है वो आपकी इनकम से डिडक्ट हो जाता है, और ATC के अंदर 1.5 लाख तक की आपको छूट है कि 1.5 लाख तक आप जो है अपनी इनकम से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो उतने अमाउंट से कम हो जाती है। तो ATC का है, इसके अलावा ATD है जिसमें स्वास्थ्य बीमा के लिए जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसपे आपको छूट मिलती है, लोन के ऊपर आपको छूट मिलती है, हाउसिंग लोन आप भरते हैं EMI तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों पर आपको छूट मिलती है, एजुकेशन लोन है इस पर आपको जो छूट मिलती है इंटरेस्ट पेमेंट पे। तो इस तरीके से कई सेक्शन बनाए गए हैं जिसके अंदर आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। एक लिमिट के अंदर हर सेक्शन में जो है एक लिमिट बांधी गई है कि इस लिमिट के अंदर आप जो है आयकर में छूट ले सकते हैं। जी, इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है कि नौकरी पेशा लोगों के लिए आयकर में छूट पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, नौकरी पेशा जो व्यक्ति है उसके लिए अगर हम इनकम टैक्स में छूट की बात करें तो दो या तीन ही मुख्य डिडक्शन उनको क्लेम कर पाते हैं। पहला आता है ATC। अब ATC की हम बात करते हैं तो ATC आसान हो जाता है क्योंकि ATC के अंदर आप जो अगर आपका एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है तो वो भी ATC के अंदर डिडक्शन में आप क्लेम कर सकते हैं। आप NPS में अगर कोई निवेश कर रहे हैं या एम्प्लॉयर पॉलिसी के अंदर निवेश होता है तो वो भी ATC में आप छूट पा सकते हैं। इसके अलावा आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप ट्यूशन फीस भरते हैं, वो ट्यूशन फीस सीधा इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और अगर हाउसिंग लोन देते हैं तो प्रिंसिपल पे आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ATC के अंदर। तो सैलरी जो नौकरी पेशा आती है उसके लिए ये डिडक्शन आसान हो जाता है। स्वास्थ्य बीमा हर कोई लेता है तो स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। लोन आजकल ज्यादातर मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है वो लोन पर अपना घर खरीदता है तो हाउसिंग लोन पे आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो ये जो नौकरी पेशा आती है उसके लिए ये जो प्रावधान है इनकम टैक्स के अंदर ये आसान तरीके हो जाते हैं इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए। नील IT रिटर्न क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं? देखिए, नील IT रिटर्न का मतलब है कि आपकी कोई टैक्स की देनदारी नहीं है, यानी कि जब हम नील IT रिटर्न की बात करते हैं तो नील IT रिटर्न होता है कि आप के कोई जो इनकम टैक्स है वो आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है। फॉर एग्जाम्पल जिनकी 2.5 लाख से एग्जेम्पशन लिमिट होती है बेसिक, यानी कि अगर आपकी आय जो है 2.5 लाख तक है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे टैक्स लायबिलिटी जीरो होती है। तो नील IT रिटर्न उनके लिए होता है जिनकी जिनकी कोई टैक्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्योंकि उनका ऑलरेडी वो एग्जेम्पशन लिमिट में आते हैं। नील IT रिटर्न जो फाइल करते हैं उसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती है। जी, उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है, आप ऑलरेडी एग्जेम्पशन के अंदर में है तो आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है। जी जितेन जी, 31 तारीख लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, 31 जुलाई। अगर अभी कोई शख्स या कोई व्यक्ति निवेश करता है या कोई पॉलिसी खरीदता है सरकार की तो क्या उसको छूट मिल सकती है? नहीं, जो आप क्योंकि हम ITR लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हम भरते हैं 31 जुलाई तक, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, तो जो भी आपने निवेश किया है या जो भी आपने जैसे ट्यूशन फीस पे करी है या EMI पे करी है वो उस फाइनेंशियल ईयर में जो पे किया है उसी पर आपको डिडक्शन क्लेम हो सकता है। तो 31 मार्च के बाद आपके पास वो प्रोविजन खत्म हो जाता है कि आप पिछले फाइनेंशियल ईयर का कुछ उस पर क्लेम कर सकते हैं। अगर 31 मार्च के बाद आप कोई निवेश करते हैं
अब जो भी आप निवेश करेंगे वो इस फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, जिसका आप जब अगले फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न भरेंगे तब आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 मार्च जो है वो आखिरी। अच्छा, मतलब अभी अगर कोई खरीदे, कोई पॉलिसी खरीदे तो उसको किसी किस्म की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बीता हुआ साल का हो रहा है। देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए तो नहीं मिलेगी छूट, यानी कि अभी जो आईटीआर फाइल कर रहा है उसको कोई छूट नहीं मिलेगी, ये अगली आईटीआर फाइलिंग में आप छूट ले सकते हैं। जितेन जी, आपसे मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया कि लास्ट डेट में जो नहीं भरेंगे उनको 10,000 रुपये का देना पड़ेगा, तो जो नील रिटर्न में जो आते हैं तो उन लोगों को भी क्या देना पड़ेगा या उन लोगों के लिए कम है? देखिए, जो 5 लाख तक की आय वाले हैं उसके लिए तो 1,000 रुपये मैक्सिमम है जी, यानी कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं 5 लाख से कम आपकी आय बनती है तो आपके ऊपर मैक्सिमम 1,000 रुपये पेनल्टी लगेगी अगर आप लेट फाइलिंग करते हैं। जो 5,000 की पेनल्टी है और 10,000 की पेनल्टी है वो 5 लाख से ज्यादा आय वाले की है। तो हमारे साथ जितेंद्र सोलंकी जी जुड़े हुए हैं प्रभात खबर प्राइम बिजनेस में। आज इतना ही, देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे प्रभातखबर.com। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।